बरसात आती है और इस कॉलोनी के लिए मुसीबत हो जाती है। मैंने पिछले एक महीना पहले भी आपको इस कॉलोनी का हाल दिखाया था, आज मैं फिर उसी जगह पे आया हूँ और मैं दिखा रहा हूँ इस घर का हालत कि कितना बुरा है। पिछले डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। और मैं आपको बात रहा हूँ गिरेश स्वामी से कि इनको कितनी परेशानियाँ होती है और इन्होंने किन किन को सूचना दिया, आज उसके सूचना देने के बाद भी आज तक इसका निदान नहीं हो पाया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जगह मैं खड़ा हूं उसके बाद एक क्वार्टर के बाद ही स्टेशन मुख्य प्रबंधक का आवास भी यहीं पर है, फिर भी समझ से परे है कि अब तक इसका निदान क्यों नहीं हो पाया। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ है पूजा, पूजा से बात करते हैं कि इसको क्या परेशानी हो रही है और इसने किसको सूचना दिया। हाँ तो पूजा, क्या दिक्कत आ रही है और किस किस को सूचना दिया है आपने? ये जब से हम लोग यहाँ रेलवे कॉलोनी में एटलीस्ट लास्ट 12 या 13 साल से रह रहे हैं और हर साल ही बारिश में डूबती है, ये बहुत कम है, कमर तक पानी आ जाता है। और इवन इसी में सारे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे छोटे बच्चे भी रहते हैं घर पे, सांप बिच्छू का तो यहाँ पर डेरा बन चुका है। और रेलवे स्टेशन के हर एक कर्मचारी, चाहे वो क्यों हो, चाहे यहाँ के मुख्य स्टेशन प्रबंधक हो, सब लोग यही रहते हैं, रेलवे कॉलोनी में ही रहते हैं और उनके साथ साथ हम भी डूब रहे हैं, हमारे साथ साथ वो भी डूब रहे हैं। डीआरएम को भी सूचना गई है, हर बार मीडिया आती है, न्यूज छापती है, डीआरएम तक ये बात जाती है पर कोई कुछ नहीं कर सकता। उनका साफ कहना है कि आप क्वार्टर को खाली कर दें। तो फिर आप लोग क्वार्टर क्यों नहीं खाली करते हैं? कैसे क्वार्टर खाली कर सकते हैं, जब भी कभी भी इमरजेंसी में कॉल आ जाता है स्टेशन, मेरी माँ रेलवे में, कभी भी इमरजेंसी कॉल आ जाता है तो मम्मी को इमीडिएटली फिर जाना पड़ता है। और जब हम रेंट पे रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तुरंत अप डाउन करना, तो रेलवे को वो सोचना चाहिए ना कि अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, सुविधा आप जो दे रहे हो वो सही है नहीं है। और सुन रहे पूजा को, इनका कहना है कि हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, रेलवे क्वार्टर भी नहीं है जिस जहाँ पे हम जा सके, अगर हम रेंट पर लेते हैं तो काफी दूर कमरा मिलता है जिसके वजह से इमरजेंसी कॉल आने पर हम लोग को ड्यूटी में आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस क्वार्टर में रहना हमारे लिए मजबूरी है और जब तक रेलवे हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है तब तक मजबूर होकर के हमें इस क्वार्टर में रहना पड़ेगा और आए दिन हमें इसे ही झेलना पड़ेगा। लाइव लगातार के लिए कोटरमा से संध्या आतर के साथ मैं अरुण बरवाल। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।